सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल में फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ टिप्स इन हिंदी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कब्ज का इलाज देसी आयुर्वेदिक दवा व रामबाण उपाय। कब्ज को अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। खराब पाचन तंत्र इस रोग का प्रमुख कारण है। कब्ज होने से सुबह पेट ठीक से साफ न होना की समस्या आती है और मल त्याग करते समय ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। कब्ज दूर करने के लिए कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं तो कुछ लोग तरह तरह के पेट साफ करने के लिए चूर्ण प्रयोग करते हैं। पुरानी कब्ज हो या नई, आप घरेलू उपाय देसी दवा और आयुर्वेदिक नुस्खे से इसका उपचार घर पर आसानी से कर सकते हैं। आइए जानें, एक स्वस्थ और सेहतमंद इंसान को कम से कम दिन में एक बार मल त्याग करना चाहिए। लेकिन कब्ज की वजह से सही तरीके से पेट साफ नहीं होता, जिस कारण व्यक्ति 2 से 3 दिन में मल त्याग को जाता है। जीवन में एक बार हर कोई कब्ज की समस्या का सामना करता ही है और आजकल खान पान सही न होने से पेट ठीक से साफ न होना आम रोग हो गया है। कई बार कब्ज जल्दी दूर हो जाती है तो कई बार इसके इलाज के लिए उपाय करने की आवश्यकता होती है, और अगर समय पर इस रोग का उपचार ना करे तो ये रोग बवासीर का कारण भी बन सकता है। जाने कब्ज होने का कारण। अगर आपको बार बार कब्ज होती है और इस समस्या से बचने के उपाय करना चाहते हैं तो यहाँ बताए हुए कारण सुनिए और अपनी दिनचर्या में इन्हें दोहराने से बचे। पानी कम मात्रा में पीना कब्ज होने का बड़ा कारण है। कब्ज नहीं हो या पुरानी ट्रीटमेंट के अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं या नहीं। बात बात पर दर्द निवारक दवाई खाने से खराब पाचन की समस्या होने लगती है, जिससे पेट में गैस और कब्ज की समस्या आने लगती है। इसलिए बिना चिकित्सक की सलाह की कोई भी मेडिसिन लेने से परहेज करना चाहिए। ठंडी चीजों के अधिक सेवन से भी पेट ठीक से साफ न होने की समस्या होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि। फास्ट फूड और डिब्बा बंद खाने में वसा की मात्रा ज्यादा होती है और इनके ज्यादा सेवन से पाचन पर बुरा असर पड़ता है। कब्ज से प्रभावित व्यक्ति और महिला को ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए। ज्यादा कॉफी और चाय पीना भी कब्ज बनाता है। सुबह मल त्याग के लिए जाने में आलस करना, भोजन कम लेने से मल का कम बनना और भूख ना लगना भी कुछ ऐसे कारण हैं जो पेट में कब्ज बनाते हैं। बिल्कुल भी शारीरिक श्रम न करने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, जिस कारण खाना सही तरीके से नहीं पचता और कब्ज जैसे रोग होने लगते हैं। कब्ज की आयुर्वेदिक दवा और घरेलू इलाज। कब्ज मिटाने के सरल उपचार के लिए कुछ लोग दस्त वाली दवा और चूर्ण का उपयोग करते हैं, पर यह सही तरीका नहीं है। कब्ज ठीक करनी है तो सबसे पहले इसके कारण दूर करने चाहिए। इसके अलावा आप जल्दी पेट साफ करने के लिए घरेलू नुस्खे और उपाय कर सकते हैं। 1. सोने से पहले रात को गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालकर पिए। दूध में चीनी की बजाय शहद या फिर मिश्री प्रयोग करें। रात को ये उपाय करने से अगले दिन सुबह खुल के पेट साफ होने लगेगा। 2. सुबह पेट ठीक से साफ न होने की स्थिति में रात को सोने से पहले इसबगोल की भूसी का सेवन करें। कब्ज खोलने में इसबगोल एक रामबाण इलाज है। 3. तुरंत पेट साफ करने के तरीके में नींबू पानी पीने से भी फायदा मिलता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू निचोड़ कर पिए। रात को सोने से पूर्व ये उपाय करने पर अगली सुबह पेट साफ हो जाता है। 4. 4 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में उबाले और पानी ठंडा होने पर इसे छान कर पिए। इस होम रेमेडीज को करने पर कब्ज खोलने में मदद मिलती है। 5. कब्ज दूर करने में गेहूँ के जवारे का रस पीने से भी फायदा मिलता है। पुरानी कब्ज का रामबाण इलाज। रात को किशमिश 25 ग्राम की मात्रा में ले और पानी में भिगो दे और प्रतिदिन सुबह ही ये किशमिश खाएं। कब्ज चाहे कितनी भी पुरानी हो, कुछ दिन ये उपाय निरंतर करने पर कब्ज से राहत मिलती है। पुरानी कब्ज का इलाज करने के लिए त्रिफला बहुत उपयोगी है। हर रोज त्रिफला चूर्ण का सेवन करने से कब्ज की परेशानी दूर होने लगती है। इस रोग में सुबह शाम 10 से 12 किशमिश खाने से भी लाभ मिलता है। तुरंत पेट साफ करने के लिए क्या खाएं। सुबह सुबह 2 सेब चबा चबा के खाने से इस रोग में जल्दी आराम मिलता है। प्रतिदिन कच्ची पालक का रस 2 बार पीने पर कुछ ही दिनों में कब्ज ठीक हो जाती है। कब्ज से प्रभावित व्यक्ति को फलों का सेवन अधिक करना चाहिए, जैसे अमरूद, पपीता, सेब, मौसमी, नारियल, संतरा, अंजीर, खीरा, गाजर। सब्जियों का रस, ताजे फलों का जूस व नारियल पानी के सेवन से कब्ज का इलाज में काफी लाभ मिलता है। कब्ज ठीक करने के लिए आहार में हरी सब्जियां और चोकर वाले आटे से बनी रोटी का सेवन अधिक करना चाहिए। सोने से पहले रात को तांबे के बर्तन में पानी रखें और अगली सुबह खाली पेट से पिए, फिर सुबह की सैर के लिए जाए। रसे लौटने के बाद मल त्याग के लिए जाए, आपका पेट पूरी तरह साफ होगा।
कब्ज से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। कब्ज की बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेदिक दवा और उपचार। प्राकृतिक तरीके से बीमारी का इलाज करने के लिए पतंजलि आयुर्वेदिक दवा काफी फायदेमंद है। योग से रोग कैसे दूर करेगी, सकी जानकारी देने के साथ साथ बाबा रामदेव आयुर्वेदिक उपचार और देसी नुस्खे के बारे में भी जागरूक करते हैं। बाबा रामदेव पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिसिन से कब्ज ठीक करने के लिए आप यहां बताई गई दवा ले सकते हैं। ये अचूक दवाई गैस और कब्ज जैसी बीमारियों में रामबाण इलाज का काम करती है। 1. पतंजलि दिव्य चूर्ण। 2. दिव्य गैसहर चूर्ण। योग से कब्ज दूर करने के उपाय। कब्ज दूर करने के लिए योग में कपालभाति करने से बहुत आराम मिलता है। कपालभाति प्राणायाम कब्ज के अलावा भी पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं के इलाज में बेहद उपयोगी है। कब्ज ठीक करने के लिए प्रतिदिन सुबह 15 मिनट कपालभाति जरूर करें। योग आसन से कब्ज का उपचार करने के लिए आप नीचे बताए योगासन करें। धनुरासन योग, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाबा रामदेव द्वारा बताया गया कब्ज का इलाज। 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम बहेरा, 100 ग्राम बड़ी हरदे व 100 ग्राम छोटी हरदे ले और इन सबको पीस कर चूर्ण बना ले। जब भी कब्ज की परेशानी हो इस चूर्ण का सेवन करे, पेट ठीक से साफ होगा। अरंडी का तेल 1 चम्मच ले और 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर पिए। कुछ दिनों तक ये घरेलू उपाय करने से कब्ज ठीक होने लगती है। बाबा रामदेव के अनुसार पेट साफ करने के आसन और उपाय के साथ अगर अपने खाने पीने की आदतों में भी सुधार लाए तो कब्ज से बचने और इसके ट्रीटमेंट में काफी फायदा मिलेगा। पेट साफ करने के लिए होम्योपैथिक इलाज। तुरंत पेट साफ कैसे करें, इसका उपचार होम्योपैथिक तरीके से भी कर सकते हैं। सिलिसिया 200 एक होम्योपैथी दवा का नाम है। ये दवाई 10-10 मिनट के अंतराल में 3-3 बूंदे 3 बार ले। इस दवा को 3 बार लेने के बाद आधे घंटे में ही पेट साफ हो जाता है। ये मेडिसिन आप किसी भी होम्योपैथी दवाओं के स्टोर से ले सकते हैं। इस दवा के प्रयोग से पूर्व किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह जरूर करें। पेट साफ करने के लिए आयुर्वेदिक चूर्ण। जल्दी पेट साफ करने में ये उपाय पेट सफा चूर्ण का काम करता है। सोते समय रात को 1 चम्मच आंवले का चूर्ण दूध या पानी के साथ ले। इस नुस्खे से पेट की आंतें व पेट ठीक से साफ रहता है। आपके पास अगर आंवला चूर्ण न हो तो किसी पंसारी की दुकान या नजदीकी बाबा रामदेव पतंजलि स्टोर से ले सकते हैं। कब्ज से बचने के उपाय क्या है? अपने आहार में ऐसे फूड शामिल करने चाहिए जिन्हें पचाने में शरीर को अधिक मेहनत ना करनी पड़े और कब्ज न हो। इसके लिए ये जरूरी है कि खाने को चबा चबा कर खाएं। सुबह को टॉयलेट जाने में आलस करना भी कब्ज का कारण है। कुछ लोग प्रेशर बनने के बाद भी मल त्याग को नहीं जाते, जिससे मल पेट में ही सूखने लगता है और कब्ज हो जाती है। इसलिए आलस छोड़े और जब भी पेट दर्द हो मल त्याग के लिए जाए। पुरानी कब्ज के घरेलू उपाय करने के साथ साथ परहेज करना भी जरूरी है। पेट साफ न हो तो तली और भुनी हुई चीजें खाने से परहेज करें। इसके साथ साथ मैदा, बेसन और ज्यादा मिर्च मसालेदार भोजन भी नहीं खाना चाहिए। रात्रि का भोजन सोने के 2 से 3 घंटे पहले खाए व रात्रि को हल्का ही भोजन करे। भोजन करने के 1 घंटे पहले कम से कम 1 गिलास पानी अवश्य पिए। अपनी डाइट में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ अधिक रखे। खाना खाते समय व खाना खाने के कम से कम आधे घंटे के भीतर पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही न्यूज़ पढ़ने के लिए हमें लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।